झुंड आई थी तो मुझे लगा था बड़ी झुंड लगेगी थिएटर के बाहर देखने के लिए, लेकिन लगी नहीं। नहीं लगी भाई। वो बिरयानी अरे बिरयानी वो ठीक से पकाई हुई नहीं लग रही। हेलो वन मैनी दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों और मराठी मानूस इज बैक। आपका बहुत डिमांड आ रहा था, कह रहे थे कमेंट्स में कि घर बंदूक बिरयानी ट्रेलर का रिव्यू चाहिए, तो आ गया है। घर बंदूक बिरयानी का ट्रेलर देखा हम दोनों ने, हमारा मराठी मानूस समृद्ध ने और आपका रिपोर्टर दिग्विजय ने। यस सर। सबसे पहले शुरुआत करूंगा समृद्ध, तो मराठी मानूस है, कैसा लगा ट्रेलर? नागराज मंजुले बघा, आता मी खूप म्हणजे बोलता महिना नंतर मी अजून रिव्ह्यू करणार आपण दोघं एकत्र। सो आता नागराज मंजुले इज बॅक अगेन। म्हणजे बोलता त्यांची लास्ट फिल्म होती झुंड, द ग्रेट अमिताभ बच्चनसोबत त्यांनी काम केलं होतं ॲज एन यार, तो वो पिक्चर कुछ और ही थी। आणि ही पिक्चर मी घेऊन हे स्वतःच घेऊन नाही आले, बिकॉज हे फक्त ॲक्टिंग करत आहेत, डिरेक्शन नाही करत आहेत। करेक्ट। झुंड आई थी तो मुझे लगा था बड़ी झुंड लगेगी थिएटर के बाहर देखने के लिए, लेकिन लगी नहीं। नहीं लगी। लेकिन यस, जब ये घर बंदूक आणि बिर्याणी जेव्हा हा ट्रेलर बघितला तो ट्रेलर मला खूप कन्फ्युजिंग वाटला मला। म्हणजे जसं ट्रेलर आपण एक प्रेडिक्ट करतो की अशा टाईपची काहीतरी स्टोरी होणार आहे, पण काही प्रेडिक्शनच नाही लागलं, बिकॉज डिरेक्टरचं नाव काहीतरी हेमंत अवाटे असं काहीतरी नाव आहे त्यांचं, बट डिरेक्टरच्या खुर्चीवर बसलेले आहेत, पण ते आर्ट डिरेक्टर बोलतो ना, क्रिएटिव्ह डिरेक्टर आहेत ते। नागराज मुंजोळे यांनी खुर्चीवर बोलतो छोट्या खुर्चीवर बसले ते, पण असं म्हणू शकतो की ही द ट्रेलर इज गुड, बट नॉट ॲज गुड जसं आपण विचार करतो नागराज मुंजोळेचे ते मागचे पिक्चर, जसं फँड्रियो, द फर्स्ट 100 crore इन मराठी इंडस्ट्रीमधले पहिली पिक्चर सैराट, सैराट त्या ह्याच्यात नाही मी तसं एक्सपेक्ट करत होतो, बट ट्रेलर ठीक ठाक है। मी तो ट्रेलर गुड बोला है, मुझे तो बिलो एवरेज ही लगा, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ट्रेलर, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टाइटल कहाँ जा रहा है और ट्रेलर कहाँ जा रहा है, क्योंकि टाइटल से ट्रेलर तो मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। लेकिन यस, लेकिन इसमें एक चीज मैच हो रहा है, बंदूक ही बंदूक दिख रहे, बंदूक दिख रहा है, एक खाली घर दिख रहा है और बिरयानी सिर्फ ऐसे ऊपर से डालते हुए बिरयानी बनाते हुए बिरयानी दिखाता है। अभी मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि इसमें एग्जैक्टली होने क्या वाला है, कि ये घर में बंदूक भी रख रहे हैं बिरयानी भी बनाने वाले। त्यात एक डायलॉग है जो बोलतो मी तो मी बंदूक घ्यायला आलो आहे, मी तर झक मारायला नाही आलो आहे, मी तर बोलतो ठोसरजी तुम्ही नक्कीच झक मारतात वाटतं पिक्चरमध्ये असं मला वाटतंय। जनरल मैं पूरी कहानी घुमाने की कोशिश की है इन्होंने, का म्हणून असं वाटतंय पोलीस वाले हे आतंकवादी हे या नक्सलवादी वो समझ में नहीं आहे, बट नागराज मुंजोळेचं एक पंच आई शपने पहिल्यांदा पाहिलं एंट्री मला पण आवडली, एंट्री बहुत अच्छी दी है नागराज मंजुले बोलते की तो कोणतरी मागून तर नक्षलवादीच बोलू शकतो, तो बोलते क्या तुम्हारे घर पे बीवी बच्ची नहीं है क्या, का पे छुपाय तू, जसा मागून जसा नागराज मुंजुळेची एंट्री लागली हो असं वाटे शिट्टी वाजवी। बट येस, नागराज मुंजुळे इज लुकिंग डॅशिंग मस्त, मतलब वो जिस तरह से दिखाने की कोशिश की है हेमंत ने, मजा आ गया भाई। अच्छा लेकिन लग रहे। हाँ अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म आ रही है। सुनने में ये भी आया था कि ये पिक्चर कोई खरीदने को तैयार नहीं था, कैसे कैसे करके जी स्टूडियोज ने पिक्चर ली है और प्रमोशंस भी चल रहे हैं उनके इंटीरियर्स में, अभी तक मुंबई में आए नहीं है प्रमोशन करने के लिए, कोई प्रमोशन के लिए नहीं। लेकिन जब मैंने सुना था ये फिल्म का अनाउंसमेंट लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर से पिक्चर चालू है लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं, क्या मालूम कॉन्सेप्ट में दम नहीं लगा। अभी ट्रेलर में देख के दिख रहा है कि कोई दम तो नहीं लग रहा है भाई, वो बिरयानी अरे बिरयानी वो ठीक से पकाई हुई नहीं लग रही है। ओके, 7 अप्रैल को पिक्चर आएगी, हम आएंगे वापस हमारे मराठी मानूस समृद्ध के पास में इस फिल्म का रिव्यू लेके आपके लिए, ओनली एंड ओनली आपके लिए, और कोशिश करूँगा मैं भी फिल्म देखूँ और साथ साथ में हमारे मराठी मानूस के मेरा भी कुछ इनपुट ऐड करूँ इस रिव्यू में। थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी को आपके डिमांड के लिए। थैंक यू।